हेलो नमस्कार दोस्तों, तो आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। तो वक्त हो गया है सुबह सुबह की बड़ी खबरों को जानने का। तो उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की देश दुनिया की आप सारी खबरों से रह सके अपडेट। तो खबरों को शुरू करने से पहले पेश है आपके लिए आज का सवाल। चंद्रमा पर पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आप इस सवाल का जवाब कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज सुबह सुबह की बड़ी खबरें। अमूल दूध खरीदना अब हो गया महंगा, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ी कीमत। जी हां, अमूल दूध खरीदना अब महंगा हो गया है। अमूल ने पूरे भारत में दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अब अमूल दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो चुकी है। गुजरात के अहमदाबाद और सौराष्ट्र के बाजारों में अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर होगी, तो वहीं अमूल ताज़ा 24 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर है और अमूल शक्ति की कीमत 27 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर है। ये कीमतें 1 मार्च से लागू हो गई है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने 1 साल पूरा होने से पहले ही दूध की कीमतें बढ़ा दी हैं। इससे पहले जुलाई 2021 में दूध की कीमत बढ़ाई गई थी। कीमतों में इजाफा अमूल दूध के सभी ब्रांडों पर लागू होंगी। इनमें टी स्पेशल, सोना, ताजा, शक्ति के अलावा गाय और भैंस के दूध आदि शामिल हैं। करीब 7 महीने और 27 दिन के बाद कीमतों में इजाफा किया गया है। कंपनी का कहना है कि उत्पादन लागत में इजाफा कीमतों में वृद्धि का कारण है। अमूल ने इस बढ़ोतरी पर कहा है कि 2 रुपए का इजाफा केवल 4% की वृद्धि है, जो कि औसत खाद्य महंगाई से बहुत कम है। कंपनी ने कहा है कि पिछले 2 साल में अमूल ने अपने फ्रेश दूध की श्रेणी की कीमतों में प्रतिवर्ष 4% का इजाफा किया है। सरकार के इस कदम से मजबूत बनेंगे कमजोर सरकारी बैंक, आम लोगों को अब आसानी से मिल सकेगा कर्ज, यह है सरकार की तैयारी। जी हां, सार्वजनिक क्षेत्र के कमजोर बैंकों को मजबूत बनाने के लिए सरकार बड़ी राशि का निवेश कर सकती है। इसके तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे कमजोर सरकारी बैंकों को सरकार से प्रस्तावित पूंजी सहायता का बड़ा हिस्सा मिलेगा। सरकार के इस कदम से आम लोगों को आसानी से अब कर्ज मिल सकेगा। सरकार के चालू वित्त वर्ष यानी कि 2021-22 में पीएसबी में पूंजी डालने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का फंड तय किया गया है। इससे सरकारी बैंकों को नियामकीय जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। सूत्रों का कहना है कि 15,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत मदद का ज्यादातर हिस्सा उन सरकारी बैंकों को मिलेगा जिन्हें पिछले साल गैर ब्याज वाले बॉन्ड के जरिए पैसा मिला था। माधवीपुरी बूच बनी सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन, लेंगी अजय त्यागी की जगह। जी हां, सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के नए अध्यक्ष के रूप में माधवीपुरी बूच की नियुक्ति की है। बूच की यह नियुक्ति सेबी के अध्यक्ष या सदस्यों को काम पर रखने की नियमित प्रथा से थोड़ा अलग है। सामान्यतया इस पद पर सार्वजनिक क्षेत्र या नौकरशाही से आने वाले पुरुष थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि निजी क्षेत्र की एक महिला को बाजार नियामक के इस महत्वपूर्ण पद के लिए नियुक्त किया गया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT ने बताया कि बूच, जो कि पिछले साल तक सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यरत थी और इससे पहले संघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक में कार्यरत थी, उनको 3 साल की अवधि के लिए सेबी प्रमुख के तौर पर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। अखिलेश यादव का बड़ा दावा, बोले सपा के पक्ष में पहले चरण से ही चल रही है हवा और बन रही है सरकार। जी हां, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ही चरण के मतदान से समाजवादी पार्टी के पक्ष में हवा चली है और सपा की सरकार बन रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अम्बेडकर नगर जिले के जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए दावा किया कि अम्बेडकर नगर जिले की 5 विधानसभा सीटें सपा को मिलने जा रही है और आजमगढ़ जिले की भी सभी सीटें सपा ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि जनता पहले से तैयार है, ऐसा जोश और उत्साह पहले कभी नहीं देखने को मिला। उन्होंने दावा किया कि 5 चरणों में भाजपा को मतदाताओं ने नकार दिया और 6ठे चरण में आते आते भाजपा का सफाया तय है। उल्लेखनीय है कि जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में 2019 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के सुभाष राय विजय हुए थे, लेकिन टिकट कटने के बाद वह भाजपा में शामिल हो गए और इस बार भाजपा के उम्मीदवार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 70 साल में भारत में 74 हवाई अड्डे थे और हमने पिछले 8 साल में 70 और बनाए।
जी हां, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 70 साल में हमारे पास भारत में 74 हवाई अड्डे थे और पिछले 8 साल में हमने अतिरिक्त 70 हवाई अड्डे बना दिए। दिल्ली में आयोजित नागरिक उड्डयन और कार्गो पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में इस क्षेत्र में जबरदस्त विकास हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में एयरलाइन पारिस्थितिकी तंत्र की शक्ति को उजागर करने का समय आ गया है। भारत अगले 10 से 15 सालों में अपने 720 विमानों के बेड़े से बढ़ाकर 1000 से 2000 विमानों का हो जाएगा। हम अपनी हवाई अड्डा क्षमता बढ़ाने जा रहे हैं। 15 मार्च से शुरू नहीं होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। डीजीसीए ने अगले आदेश तक निलंबित रखने का किया फैसला। जी हां, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने कहा कि भारत से आने और जाने वाली इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट्स अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी। 26 नवंबर 2021 को केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं अगले आदेश तक निलंबित रखने का निर्णय लिया था। नवंबर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू करने पर बातचीत चल रही थी, लेकिन इसी बीच दक्षिण अफ्रीका में नए ओमिक्रॉन वेरिएंट ने उड़ानें चालू करने की राह में रोड़ा अटका दिया था। सरकार ने 26 नवंबर को ही एक आदेश जारी करके अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगले आदेश तक निलंबित रखने का फैसला किया। फरवरी के बाद भी फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने की कोई संभावना नहीं है। नए सर्कुलर में डीजीसीए ने कहा है कि यह प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय ऑल कार्गो ऑपरेशंस और डीजीसीए द्वारा विशेष रूप से अनुमित प्राप्त उड़ानों पर लागू नहीं होगा। मोटापे ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। हाई शुगर और फैट वाले खाद्य पदार्थों पर लग सकता है टैक्स। जी हां, लगातार बढ़ रहे मोटापे ने न सिर्फ लोगों की चिंता बढ़ा दी है बल्कि सरकार को भी टेंशन दे दिया है। देश में बढ़ते हुए मोटापे को कंट्रोल करने के लिए सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग अधिक चीनी, वसा और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाने पर विचार कर रहा है। इसके साथ ही फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग जैसे कदम उठाने के प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है। फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक चीनी, नमक और वसा वाले उत्पादों को पहचानने में मदद मिलती है। नीति आयोग की 2021-22 की सालाना रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी के बीच मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए इस तरह के कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में अधिक वजन और मोटापे की समस्या लगातार बढ़ रही है। महाराजगंज और बलिया की रैली में परिवारवाद पर पीएम मोदी ने बोला हमला, कहा इन्होंने अपने शासन में अपनी तिजोरी भरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इशारों इशारों में समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये घोर परिवारवादी खुद उत्तर प्रदेश का विकास रोकना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना है। पीएम मोदी ने कहा कि जिन जिलों को घोर परिवारवादियों ने जितना पीछे धकेला उनके विकास के लिए हम उतनी ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। पीएम ने दावा किया कि उन्होंने जो नहीं किया हम वो भी कर रहे हैं। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत में बनी जिस कोरोना वैक्सीन पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए था, उस वैक्सीन के खिलाफ इन परिवारवादियों ने देश के गरीबों को भड़काने की कोशिश की। दुनिया के बड़े से बड़े देश भी आज वैक्सीन लगाने के लिए भारत से काफी पीछे है, भारत बहुत आगे निकल गया है। पीएम मोदी ने कहा कि खेती से लेकर मिलिट्री तक, समंदर से लेकर स्पेस तक, भारत को हर क्षेत्र में शक्तिशाली बनाना है, इसलिए देश के इतने बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। मैक डिवाइस की तरह काम करेगा मैजिक कीबोर्ड, एप्पल ने लिया खास पेटेंट। जी हां, टेक कंपनी एप्पल ने एक नए कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का पेटेंट फाइल किया है जो कि कंपनी के इनपुट डिवाइस पर आधारित है। एप्पल का मैजिक कीबोर्ड खुद एक कंप्यूटर की तरह काम करेगा और इसमें मैक का इंटीग्रेशन किया जाएगा। यह कीबोर्ड एक ट्रैक पैड के साथ आ सकता है जिससे कि यूजर्स को अलग से माउस रखने की जरूरत नहीं होगी। इस कीबोर्ड को डिस्प्ले से कनेक्ट करते ही सिस्टम किसी मैक की तरह काम करने लगेगा। एप्पल की ओर से इस नए मैजिक कीबोर्ड का पेटेंट यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में अगस्त 2020 में फाइल किया गया था। पेटेंटली एप्पल ने अपने रिपोर्ट में इससे जुड़ी हुई जानकारी दी है और कहा है कि यह डेस्कटॉप या लैपटॉप को टक्कर दे सकता है। यह कॉन्सेप्ट एक ऐसे स्टैंड अलोन डिवाइस का है जिसके साथ किसी कॉर्ड या फिर केबल की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसे कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल करने के लिए एक डिस्प्ले होना जरूरी है। पेटेंट में बताया गया है कि इनपुट डिवाइस में ही प्रोसेसर, बैटरी, मेमोरी और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जैसे कंप्यूटर कंपोनेंट्स मौजूद होंगे।
रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने कहा, डिडक्शन वाली ओल्ड टैक्स रेजिमी खत्म होनी चाहिए। जी हां, इनकम टैक्स पेयर्स को एक और झटका लग सकता है। डिडक्शन वाली इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था खत्म हो सकती है। रेवेन्यू सेक्रेटरी तरुण बजाज ने इसका संकेत दे दिया है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था का अट्रैक्शन घटाने की जरूरत है, जिससे कि ज्यादा लोग इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को अपनाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था 2020 में शुरू हुई थी। इसमें टैक्स की दर कम है, लेकिन डिडक्शन की सुविधा नहीं मिलती है। इस नई व्यवस्था में टैक्स पेयर्स ने दिलचस्पी नहीं दिखाई है। ज्यादातर टैक्स पेयर्स पुरानी व्यवस्था के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में सरकार ने टैक्स की नई व्यवस्था पेश की थी। उसने उसे ज्यादा सिंपल बताया था। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स के लिए इसमें टैक्स रेट कम है, लेकिन उन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन और सेक्शन 80C की सुविधा नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक, छात्रों के निकासी अभियान के लिए भेजे जाएंगे केंद्रीय मंत्री। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय छात्रों के मामले पर एक उच्च स्तरीय बैठक की। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सरकार ने यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों की मदद और उनके निकासी अभियान के समन्वय के लिए केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजने का फैसला किया है। इसमें हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीके सिंह और किरण रिजिजू को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा जाना है। बता दें कि अनुमान है कि करीब 16,000 भारतीय छात्र इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं। भारत सरकार यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को रोमानिया और हंगरी के रास्ते निकाल रही है। इसके लिए छात्रों से इन देशों की सीमाओं तक जाने को कहा जा रहा है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास ने कहा है कि भारतीय अधिकारियों को जानकारी दिए बगैर छात्र सीमा की तरफ न आए। बिना सूचित किए आने वाले छात्रों की मदद करना मुश्किल हो रहा है। दूतावास ने पश्चिमी यूक्रेन में रह रहे छात्रों को सुरक्षित ठिकाने पर रहने की सलाह दी है। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण अंडमान सागर और उसे सटे हुए दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी। हवा की गति भी काफी बढ़ सकती है और शायद 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। सिक्किम के कुछ हिस्सों और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और हिमपात हो सकता है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्सों के साथ साथ तटीय जिलों में एक दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। आज का सुविचार, डेविड ब्रिंकले ने कहा था, एक सफल व्यक्ति वह है जो औरों द्वारा अपने ऊपर फेंके गए ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जीओबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।